मुजफ्फराबाद में ईद के मौके पर तमाम कुदरती तफरी मुकामात पर लोगों की रौनक रही, लेकिन शहर में तफरी के लिए सिर्फ एक ही पार्क मौजूद है जिसमें भी बच्चों के लिए सहूलियात न होने के बराबर हैं। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए पार्क आने वाले बच्चों का कहना था कि इन्हें घूमना तो अच्छा लगा, लेकिन इन्हें झूले में बैठने की बारी नहीं मिली। यहाँ पे झूले बहुत कम है, ज्यादा होने चाहिए, इसी वजह से हम लोग ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। मैं यहाँ झूला झूलने आई हूँ, लेकिन झूले झूलने की बारी नहीं मिली। फायदा नहीं, एक पार्क है और बनानी चाहिए। अच्छा महसूस हो रहा है, काफी सारे लोग हैं, अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और बहुत मजा आ रहा है। इधर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी ईद के लम्हात से महजूज होने के लिए पार्क और दूसरे तफरी मकामात का रुख किया, लेकिन वो भी बच्चों की नाकाफी तफरीही सहूलियात की शिकायत करते रहे। यहाँ पे जो पार्क है जलालाबाद पार्क, यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया। अगर बच्चों के लिए भी अच्छा सेटअप किया जाए यहाँ पे, उनके लिए कुछ सहूलियात मुहैया की जाएँ, तो बच्चों की जहाँ पे जो रौनकें होंगी तो पार्क में जो भी मजीद जो है कि अच्छा इसमें निखार आए। हमारे बच्चों के पास यही एक जगह है जहाँ हम बच्चों को लेके आते हैं इंजॉय करवाने के लिए। हमने कहा बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, बिल्कुल झूले टूटे फूटे हैं, तो यहाँ पार्क होना चाहिए। और भी मुजफ्फराबाद की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन तफरी के लिए बहुत महदूद गुंजाइश का सिर्फ एक पार्क मौजूद है, जिसके बाइस शहरों की बड़ी तादाद ईद और दूसरे त्योहारों में तफरी से महरूम रहती है। मुजफ्फराबाद के कुर्बो जवार में सैकड़ों से तफसा मुकामात हैं जिनमें तफरी की सहूलियात मुहैया करके ईद जैसे मौकों पर लोगों की खुशियों को मजीद दुबाला किया जा सकता है। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ तज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।